आप देख रहे हैं न्यूज स्माइल, मैं रिपोर्टर संजय कुमार गुप्ता। आज हम लोग ये थाना मोड़ के रास्ते एक पुल है जो 4 साल से ध्वस्त है इस पर, लेकिन अभी तक किसी सरकार, किसी नेता, किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है। लोगों को कितने आने जाने परेशानी होती है, देखिए कितना डाउन होकर रोड को गाड़ी पास किया जाता है। बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति, इसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए। हमारे साथ कुछ जनता, उनसे बात करें। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम किशोर चौधरी। ये कितना दिन से ध्वस्त है पुल? 5 साल के करीब। कितना परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ती है? बहुत परेशानी है, बोझा लाना जाना आना, गाड़ी घोड़ा, लेकिन सब कुछ की परेशानी है। सामने तो ज्यादा इन लोग का परेशानी बनना चाहिए ना, हम बनना चाहिए। हमारे साथ एक और भाई, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ? संतोष कुमार सिंह। कितना दिन से पुल ध्वस्त है? ये पुल ध्वस्त है 5 साल से। तो क्या अभी तक कोई इस पर निर्णय नहीं हुआ? मैंने कोई सुराग नहीं है सर इस पे। देखिए इनको हम लोग को ठेला गाड़ी ले जाने में बहुत तकलीफ होता है। चलता नहीं, एक ठेला में 5 आदमी 4 आदमी लगते हैं तब चलता है ठेला। बताइए एक मजदूरी वर्ग लोग को ठेला ले जाने में कितनी दिक्कत होती है, अगर उसमें माल लादा हुआ है तो इन लोग को 4-5 आदमी को धक्का देना पड़ता है तब चढ़ता है, तब चढ़ता है। और कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? कब तक जल्द से जल्द बनाना चाहिए सर, यही हम कहेंगे। और क्या कहें, इनको साफ तौर से कहना है कि जल्द से जल्द बनना चाहिए। देखिए आप कैमरामैन से बोलूंगा, दिखाइए कितना परेशानी होती है इस पुल पार करने के लिए। देखिए कितना खल्ला में जाना पड़ता है, और जब बरसात होती होगी, बारिश होती होगी तो और साहब बहुत प्रॉब्लम होता होगा। देखिए आइए अपने कैमरामैन से बोलूंगा, दिखाइए ऊपर से लेकर, देखिए कितना बड़ा बड़ा गड्ढा भी है इस रोड पे। बहुत डेंजर रास्ता है, हम आने जाने में बहुत दुश्वारी होता है। क्या नाम हुआ आपका भैया? मोहम्मद इरशाद। आज सर ये कितना दिन से मैंने ध्वस्त है? ये करीब करीब उम्मीद है कि 2-3 साल हो ही गया है। इनका साफ तौर से कहना 3-4 साल हो गए, क्यों अभी तक मैंने इसको सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, क्यों आगे बनना चाहिए ना? बिल्कुल, एक पुल को ध्वस्त होते हुए 4 साल हो गया, 5 साल, लेकिन सरकार इस पर काफी ध्यान नहीं दे रही है। लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी होती है बताइए, इतना ऊंचा रोड से इतना खल्ला में आना पड़ता है। बताइए यहाँ पर क्या ईंटा भर के लोग आते जाते हैं, बहुत सारी सरकार के ऐसी ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। कभी भी एक्सीडेंट होता होगा, कभी भी गाड़ी पलट जाता होगा, ऐसा भी कभी हुआ है सर? गाड़ी पलटा हुआ? पलटा है, पलटा है। और कुछ मैंने इस आपको तो आप इसे इस नासिकगंज के रहने वाले ना, आपको तो बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता होगा, जो कि इसी रोड से नासिकगंज थाना का आवागमन है, इसी रास्ते से सरकारी हॉस्पिटल का भी आवागमन है। बताइए यही रास्ता जा रहा है, जमालपुर मेला मेन रास्ता है, समझ लीजिए कि जमालपुर दाऊद नगर ब्रिज पर ये जाने का मेन रास्ता है और लोगों को बहुत दुश्वारी है। जमालपुर और दाऊद नगर जाने के लिए मेन यही रास्ता है, लेकिन कितना परेशानी झेलनी पड़ती है। आइए आप बोलेंगे कि दिखाइए इधर के क्या नजारा है, ये देखिए पुल का, दिखाइए किस तरह से ध्वस्त पड़ा हुआ है, कितना दिन से पड़ा हुआ है। देखिए कितना फिर ऊंचाई पर चलना पड़ता है, इस पूरा ऊंचा पर चलना पड़ता है। देखिए कितना परेशानी झेलनी पड़ती है, एक सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द बनाया जाए, जो कि लोगों को परेशानी मत हो, लोगों को दिक्कत मत हो। इसलिए मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं, और जो यहां का अधिकारी है, जो नेता है, जो सांसद है, विधायक है, इनसे भी अपील करता हूं, इस पुल को जल्द से जल्द बनवाया जाए। झंझरिया पुल है। जय हिंद, जय भारत।